सेकेंड ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन पेज नंबर फोर्टी एट तो बच्चा पेज नंबर फोर्टी एट में हम कर रहे थे पास्ट इसमें हमने पास्ट के सेंटेंस पढ़े थे इसमें हमने कुछ एक्सरसाइज कर ली थी आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर फिफ्टी वन में पेज वन पेज नंबर फिफ्टी वन निकाली आप इसमें आज हम करेंगे पास्ट फॉर्म्स ये देखिए पास्ट फॉर्म्स अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं To talk about action that took place in the past, we use the past form of the doing words. Quite often, this is done by ending D or -ed to the verb. Such as play plus AD played and close plus AD closed. So, when we talk action verb, action verb हो रहा है तो पास्ट में क्या होता है जो डूइंग वर्ड्स है जो कार्य कर रहे हैं जो किससे समाप्त तो होता है डी प्लस डी और ई e डी जैसे प्ले प्ले में क्या हो जाता है एड ई डी जैसे प्ले प्लस ई डी प्लेड एंड क्लोज प्लस ई डी क्लोज अब इन सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे मैं हर रोज़ क्या करता हूँ क्रिकेट खेलता हूँ आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे मैंने कल क्रिकेट खेला था ओके द फर्स्ट सेंटेंस इज़ अबाउट समथिंग दैट हैपन अगेन एंड अगेन पहले सेंटेंस में किसकी बात हो रही है हर संडे को यानी कि दोबारा हर दोहरा रहा है अगेन एंड अगेन द डूइंग वर्ड्स इज प्ले डूइंग वर्ड्स क्या है उसमें काम क्या हो रहा है प्ले खेलने का काम हो रहा है द सेकेंड सेंटेंस इज अबाउट समथिंग दैट हैपन यस्टरडे और सेकेंड सेंटेंस में क्या था कि हमने कल खेला था यानी कि कल खेला था द डूइंग वर्ड्स इज प्लेड यहाँ पे क्या है प्ले में क्या जुड़ गया ई डी यानी कि प्लेड वी हैव एडिड ई डी हमने क्या ऐड कर दिया है प्ले में एडेड अब यहाँ पे इनके रूल देख लेते हैं ये देखिए फर्स्ट रूल है बच्चा ये देखिए रूल फर्स्ट आपका वी ऑफ्टन एड ई डी टू द डूइंग वर्ड्स वेन वी टॉक अबाउट समथिंग डैट हैपन इन द पास्ट येस्टरडे लास्ट वीक लास्ट मंडे फोर डेज एगो और आ फ्यू मिनट एगो हम ई डी किस में जोड़ते हैं कौन से जो डूइंग वर्ड्स हैं जो काम कर जिसमें जो कार्य हो रहा है उसमें ईडी में हम उसमें जोड़ते हैं जो किस में होता है पास्ट में जो हो चुका होता है यानी कि येस्टरडे कल जो बीत गया लास्ट वीक जो चले गया लास्ट मंडे जो पिछले मंडे था फोर डे एगो चार दिन पहले कुछ या फ्यू मिनट एगो कुछ मिनट पहले तो इनमें हम क्या जोड़ लेते हैं ए डी को जोड़ लेते हैं रूल सेकेंड क्या कह रहा है इफ़ अ डूइंग वर्ड्स एंड इन अ ई अगर डूइंग वर्ड्स क्या है ई e से क्या हो रहे एंड हो रहे हैं वी एड ओनली डी इनमें हम सिर्फ डी को एड करते हैं जैसे लाइक like, लाइक में सबसे पहले ई आया सबसे लास्ट में ई आया तो हमने इसमें केवल डी जोड़ दिया क्लोज में ई आया तो हमने क्लोज जोड़ दिया अब आगे बढ़ते हैं आप देखिए आगे अब नाउ नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड नॉट द वर्ब इज ग्रीन जैक क्लीन हिज रूम एंड देन ही प्ले आउटसाइड ये कह रहा है इन सेंटेंस को देखिए नॉट द वर्फ इन ग्रीन इसमें क्या है कलर का पता नहीं चला वर्ब ग्रीन में देखो जैसे जैक क्लीन हिज रूम जैक ने अपने रूम को साफ किया देन ही प्ले आउटसाइड और उसके बाद खेलना चले गया क्लीन और प्लेड ये क्या है हमारे वर्ब है इसमें क्या और काम हो रहा है सर वॉस्ड अ मूवी यस्टरडे विद हर सिस्टर सर ने क्या देखा सर ने सर ने मू मतलब देखा मूवी यस्टरडे यानी कि पास्ट में ठीक है आई वर्क लेट लास्ट नाइट मैं कल लास्ट नाइट तक लास्ट नाइट में क्या करता रहा काम करता रहा देर रात तक मैं काम करता रहा शी टर्न ऑन द लाइट्स एंड क्लोज द डोर शी उसने क्या किया लाइट्स को ऑन किया और उसके बाद क्लोज को डोर के यानी कि दरवाजे को बंद किया सिंड्रेला डांस विद द प्रिंस एट द बॉल सिंड्रेला ने डांस किया था किसके साथ प्रिंस के साथ एट द बॉल में आई वॉन्टेड टू प्ले प्ले बेस बॉल मैं बेस बॉल खेलना चाहता था बट आई वॉज सिक लेकिन मैं क्या था बीमार था ठीक है अब इसके रूल हैं इसके रूल हम देखते हैं ये देखिए इसके रूल देखिए रूल थर्ड में द लेटर्स ऑफ सम वर्ब आर डबल्ड वन ई डी इज एडेड टू दैम आप देखिए स्टॉप तो इसमें क्या गया इसमें क्या ऐड कर दिया है हमने द लेटर्स ऑफ सम वर्ब आर डबल्ड वेन ई डी स्टॉप टो स्टॉप एडमिट एडमिटेड लेवल स्किप स्किप्ड फिट फिटेड ट्रेवल्ड रेफर रेफर कमिट कमिटेड quarrel क्वर्ल्ड तो इनमें क्या हो गए हैं इनमें क्या हो गए हैं ई डी ई डी उससे पहले क्या है डबल वर्ब को डबल यानी कि स्टॉप stop, स्टॉप्ड डबल पी ई डी ठीक है एडमिट टी तो डबल टी ई डी लेवल एल से एल लेवल डबल एल ई डी ठीक है तो आप इन रूल को ध्यानपूर्वक देखिए उसके बाद हम ये देखिए वन टू एंड थ्री रूल्स इसके बाद हम क्या करेंगे इसकी एक्सरसाइज आपकी रिटर्न में यानी कि नोटबुक में करेंगे तो आप आज हम इतना ही करते हैं आप इनको ढंग से पढ़िए और तीनों रूल को ढंग से देखिए ओके